गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी दही बल्ले बनाने वाले हैं। होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। हमने ली है 1/2 kg उड़द दाल। हमने इसे वॉश करके ओवरनाइट भिगा लिया है। अब हमने एक ग्राइंडर लेना है, उसमें हमें थोड़ी थोड़ी दाल ग्राइंड करनी है। पहले हमें इसे 1 से 2 मिनट बिना पानी के ग्राइंड कर लेना है। बाद में हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। देखिए, हमारा स्मूथ पेस्ट रेडी है। पेस्ट एकदम स्मूथ रहना चाहिए। अब हम सेम प्रोसेस से सारी ही दाल इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, दाल ग्राइंड हो चुकी है। ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम उसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है और हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है। उसमें हमें ऑयल ऐड करना है। कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें हमने अपने फिंगर पे छोटे छोटे गोले करके डालना है। जैसे हम लोग भजिए फ्राई करते हैं, सेम आपको वैसे ही करना है। आप चाहें तो स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं या हाथों से भी डाल सकते हैं। दोनों भी मेथड से हमने डाले हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप स्पून से ही डालिए। में इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। देखिए, हमारे वड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे।
देखिए हमने हमारे सारे वड़े फ्राई कर लिए हैं। अब हमने हाफ लीटर दही लिया है, उसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। देखिए हमने दही को फेंट लिया है। हमने ये हल्का गुनगुना पानी लिया है। अब हम इसमें अपने वड़े डाल देंगे। हमें वड़ों को 3 से 4 मिनट तक उसमें रखना है। तीन से चार मिनट होने के बाद हमें उसे हल्के हाथों से दबाकर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। हम सेम प्रोसेस सारे वड़ों पे अप्लाई करेंगे। और इसे हल्के हाथों से दबाकर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब हमने दही लिया है जो कि हमने फेंट लिया है। टोमेटो केचप लिया है, इमली केचप, प्लेन सेव, धनिया, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक। अब हमें वड़ों के ऊपर दही डालना है। अब हमें इसके ऊपर इमली केचप ऐड करना है। हमें हर वड़े पे थोड़ा थोड़ा केचप ऐड करना है। अब हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है।
गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये हमने चाट मसाला लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे। हमने इसके ऊपर थोड़े से प्लेन सेव ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट दही बल्ले रेडी है। देखिए कितनी टेस्टी है और सॉफ्ट भी बने हैं। देखिए हम आपको एक तोड़ के बताते हैं ये कितने सॉफ्ट है करके। होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएंगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।